पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण का आगाज आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। शहर के जामा मस्जिद चौराहे से शुरू हुई न्याय यात्रा का कई जगह जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान राहुल प्रियंका ने एक साथ कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर कांग्रेसियों में जोश भरा, तो वहीं मुरादाबाद मंडल में सियासत को धार देते हुए बेरोजगारी महंगाई के मुद्दों को उठाकर केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने का भी प्रयास किया। नरेंद्र मोदी जी आपसे कहते हैं कि ये सबका हिंदुस्तान है, ये सबका हिंदुस्तान कहते हैं, अगर इसमें 90% लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही। हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, यहाँ पर आस्था भी बता देता हूँ, अगर 90% को भागीदारी चाहिए तो पहला कदम, जैसे जब हाथ टूटता है पहला कदम क्या कराते हो आप, एक्सरे कराते हो ना, तो वैसे ही पहला कदम जाति जनगणना है। नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता। कभी आपने देखा है कि नफरत से नफरत कट गई? जोर से बोलो, देखा है? नफरत मोहब्बत से कटती है। और आप सबके दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत है। अब सिर्फ आपको वो मोहब्बत दिखानी है, लोगों ने गले मिलना है और कहना है कि हम इस देश में नफरत को नहीं फैलने देंगे, हम डरेंगे नहीं, हम मोहब्बत फैलाएंगे, 24 घंटा मोहब्बत फैलाएंगे और नफरत को मोहब्बत से काटेंगे। पूछना चाहता हूँ, ये जो 90% जनता है देश में, दलित आदिवासी पिछड़े माइनॉरिटी, इनको इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल। आप सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, 200 कंपनियां सबसे बड़ी वाली, उसमें 90% का एक मालिक मुझे दिखा दो। आपको एक मालिक 90% का नहीं मिलेगा। उसके बाद आप मैनेजमेंट टीम में की लिस्ट निकालो, उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा। फिर आप कहो ठीक है, 90% हिंदुस्तान की कंपनी का मालिक नहीं बनने चाहते। भारत जोड़ो यात्रा में 4,000 किलोमीटर क्यों चले? इस देश को एक रखने के लिए, ये कहने के लिए कि ये देश एक है, सब एकजुट हो जाओ आगे बढ़ोगे। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हैं, तो इस यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा है। न्याय शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि आज यहाँ के नौजवानों के साथ देश के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है, आज देश की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आप मेहनत करते हैं, आपके पेपर लीक होते हैं, आप मेहनत करते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, आप मेहनत करते हैं, महंगाई का सामना करते हैं, किसानों का जो बकाया होता है वो नहीं मिलता, किसानों के कर्ज माफ नहीं होते, बड़े बड़े उद्योगपतियों के। तो देखिए, मैं फिर से आग्रह करूंगी, आज आप इस यात्रा में जुड़ने आए हैं तो हमें देखने नहीं आए हैं, अपनी परिस्थिति को समझने आए हैं और ये समझने आए हैं कि जब तक आप बदलाव नहीं लाओगे तो ये तो 2-3 मुद्दे में पूरे 10 मुद्दों का हमने पूरा प्लान बनाया था। तो मैं आपसे एक सीधी सीधी बात कहना चाहता हूँ, देखो चुनाव फिर से आ रहा है, अरे नहीं, फिर से आपको अपना मत डालना पड़ेगा। अब आप खुद ही देख रहे हो, खुद ही देख रहे हो, बार बार भाजपा की सरकार आ रही है, केंद्र में आ रही है, प्रदेश में आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है, तब सड़क पे बैठे थे ठंड में सर्दी में, आज बैठे हैं, तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है।
पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।